चार दिन के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के दौरे का आज आखिरी दिन था। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच कई बड़े समझौते हुए, लेकिन इन सबसे इतर चर्चा का विषय H-1B वीजा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक अहम घोषणा की। पीएम ने कहा कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही पीएम ने यह ऐलान किया तो रोनाल्ड रीगन सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। H-1B वीजा को लेकर पीएम के ऐलान पर रोनाल्ड रीगन सेंटर में बजती ये तालियां बता रही हैं कि भारतीयों के लिए H-1 वीजा कितना जरूरी है, जिसको लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर ये H-1 वीजा होता क्या है, क्यों इसके लिए लंबे समय से जंग चल रही थी। दरअसल H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है। इसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने साल 1990 में की थी। H-1B वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वीजा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है। इसके बाद उसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इस वीजा की वैलिडिटी 6 साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय IT प्रोफेशनल्स इस वीजा को सबसे अधिक हासिल करते हैं। H-1B वीजा के फायदे क्या हैं? H-1B वीजा का फायदा ये है कि वीजा धारक अपने परिजनों यानी बच्चों और पति या पत्नी को भी अमेरिका ले जा सकता है। वो भी उसके साथ अमेरिका में रह सकते हैं। जिन लोगों का H-1B वीजा की अवधि खत्म हो जाती है तो वो फिर अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कर सकता है अप्लाई? H-1B वीजा पाने के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट भी दी जा सकती है। पूरी प्रक्रिया के बाद लास्ट में 2 इंटरव्यू स्केड्यूल होते हैं, जिनमें से एक US एम्बेसी में जाकर होता है। बहरहाल H-1B वीजा की समय सीमा और रिन्यू को लेकर लंबे समय से चल रही मांग पर अब विराम लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।